आप सभी धम प्रेमियों को, बहुजन साथियों को, हम विशाल गाजीपुरी की तरफ से नवोदय जय भीम। आज जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं मिशन के बहुत ही अच्छे गायक कलाकार परम श्रद्धे रवि राय जी, और आइए इनसे आपको मिलाते हैं। रवि राय सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और सबसे पहले हम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए जी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, और हमारे वीजी न्यूज को जितने दिखने वाले हमारे मिशनरी भैया लोग हैं सभी लोग को एक ही साथ में क्रांतिकारी नमोबुद्धाय जय भीम। और सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे आने में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका प्यार दुलार मिला, यहाँ की सुविधा जो भी है हमारे बहुजन समाज के मिशनरी गायकों के लिए जो यहाँ की व्यवस्था खुली गई है बहुत अच्छा लगा सर जी हमें। साधुवाद। और ये बताएं सर, आप कब से मिशन गीत गाना शुरू किए हैं? सर जी बता दें कि हम लगभग 2015 में ही गायकी शुरू किए थे जी। जैसे कि हम गाँव में गाते थे तो हमारे बड़े भैया मिशन गायक हैं रवि राज बौद्ध जी, जो हमसे कहें कि आइए हमारे साथ एक एल्बम गा लीजिए, तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोग पहले बार मक्कू चौबे स्टूडियो है, क्या बोलते हैं कि बलिया में जी जी, वहाँ पे हम लोग गए तो पहला एल्बम हम लोग का हुआ बाबा साबरेले देश के रत्नवा, उसमें हम तीन गाना गाए थे और भैया जी भी गाए थे। तो आप बताएं कि जब मिशन गीत गाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, मिशन इससे भी पहले कोई गीत गाते थे आप? नहीं सर, हम तो डायरेक्ट मतलब मिशन ही से शुरुआत किए हैं। शुरुआत ये जो है कि अपनी गायकी किए मिशन गीतों से, और क्या लगता है कि परिवर्तन कितना शानदार हो रहा है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो पहले डरते थे मिशन गीत गाने से, लेकिन अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आने वाला समय देखिएगा 10 साल के बाद पूरे हर एक गाँव में मिशन गायक लोग रहेंगे और बाबा साहब का संदेश गाएंगे, और आज हम लोग उसी की प्लानिंग कर चुके हैं। आगे चल करके बड़ी प्लानिंग है कि हमारे सभी भोजन गायक मिलकर के हम लोग फिल्म बनाएंगे। अच्छा ये बताएं रवि राय सर, आपके जो गीत लिखने हैं आप खुद लिखते हैं कि आपके कोई राइटर लिखते हैं गीतकार? नहीं सर, पहला एल्बम तो हमारे रवि राज भैया जी भी लिखे थे, और दूसरा एल्बम तमाम मतलब कवि जी हमारे, और जितना हमारा गाना आ रहा है अब वो हमारे बड़े भैया सर, आइए बता दें कि हमारे सर जी हैं सावन आठ जी, और इन्हीं का लिखा हुआ गीत अब गा रहे हैं हम, और हमारा ये भी सोच है कि इनका ही सिर्फ गाएंगे। अगर क्या लगता है कि अगर हम गीत देंगे तो आप नहीं गाएंगे? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, बट मैटर पसंद हो बस। अच्छा अच्छा, मैटर पसंद हो। सच्चाई है कि भाई इनका भी कहना सही है कि अगर मैटर बढ़िया है तो कोई भी गीत देंगे इनको तो ये गा सकते हैं, और हम लोग को मनवादियों की तरह नहीं बनना है कि नहीं बस हम इन्हीं गीत गाएंगे। हम लोग को जो व्यक्ति अच्छा गीत देते हैं उनका गाना हम लोग को है, और ये नहीं कि अगर दूसरी बात यह है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें सभी गायक कलाकार। और श्रवण सावन आर्ट सर, आप इनको गीत देते रहिए, और हमारे बहुजन समाज में जितने गायक कलाकार हैं आप उनको भी गीत देते रहिए। आप कब से गीत लिखना शुरू किए हैं? वैसे हम तो आज लगभग 2 साल से ऊपर हो गया गीत लिखते हुए। 2 साल हो गया जी? 2 साल हो गया। पहले हम भी बहुत मतलब जैसे होता है कि देवी जी थे वो, तो हम भी बहुत लिखते थे। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे जगह हमको टॉपिक मिला लोगों को बातें को सुन के कि वो लोग गाते तो बहुत हैं, हम भी लिखते हैं ठीक है, लेकिन कुछ सच्चाई नज़र नहीं आया। तो मैंने बुद्ध के पैमाने से जब उसको नापा तो मुझे पता ये चला कि बाबा साहब का मिशन जो है, अगर कुछ हो सकता है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है मिशन गीतों का माध्यम, और हमने अपनाया। बिल्कुल, बहुत सही लगा। चलिए आप लोग ऐसे बन रही, आपको कैसा लग रहा है जब हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आकर के? जितना तारीफ किया जाए कम है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि आज बड़े भैया विशाल जी और सपना बहुत जी के स्टूडियो में आज अभी हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार में आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का सिस्टम जो भी जितना बखान किया जाए कम है, तो आप सभी बीजी न्यूज़ देखने वाले दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग आइए और यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्डिंग करवाइए, कोई गैर नहीं, ये अपनी स्टूडियो समझिए, और आप लोग आइए यहाँ पे प्रोग्राम दीजिए और अपना गाना बनवा के अच्छे से ले जाइए, और आप लोग ऐसे ही बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। साधुवाद। चलिए आप लोग परम श्रद्धे रवि राही सर को और सावन आर्ट सर को आप लोगों ने सुना देखा,
और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और विशाल गाजीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बने रहिए, मैं विशाल गाजीपुरी जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, नमो बुधाय जय भीम। सादर नमो बुधाय जय भीम, नमो बुधाय जय भीम।